उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में समाजवादी पार्टी को समाप्तिवादी पार्टी अरविंद राजभर लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 80 सीटें जीतने का लिया संकल्प। आपको बताते चलें, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर आज बरेली पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने एनडीए को पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 80 सीटों जीतने का संकल्प लिया और हम पूर्ण बहुमत के साथ 80 सीटें जीतेंगे। हमारा गठबंधन भाजपा से है और रहेगा। गठबंधन को मजबूत करना हमारा प्रथम दायित्व है। आज मैं पहली बार बरेली आया हूं और यहां मैं मंडलीय समीक्षा कर रहा हूं। तो सर, आज बरेली पहुंचे हैं, किस तरीके की बैठक हो रही है, क्या चुनावी मंत्र दिया जा रहा है 2024 के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी विगत 1.5 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश में संगठन की समीक्षा मंडलवार और जनपदवार कर रही है। पूर्वांचल और मध्यांचल की संगठन समीक्षा समाप्त करके हम पश्चिमांचल में प्रवेश किए हैं और लगभग हमने आगरा मंडल, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, अलीगढ़ मंडल, मुरादाबाद मंडल का कार्यक्रम करते हुए आज बरेली मंडल की संगठन समीक्षा बैठक में आया हुआ। गठबंधन की घोषणा, एनडीए में गठबंधन की घोषणा होने के बाद पहली बार बरेली में आया हुआ हूँ और जो लक्ष्य हमने एनडीए में दे रखा है या ले रखा है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें हमें जीतनी है, तो उसी 80 लोकसभा सीट को जीतने के लिए आज संगठन की समीक्षा की जा रही है और समीक्षा के दरमियान ये भी पूछा जाएगा कार्यकर्ताओं से कि ग्रामीण स्तर तक बूथ स्तरीय और सेक्टर स्तरीय संगठन के संगठन का क्या स्वरूप है, कैसे कार्य किया जा रहा है। प्लस जिस चीज़ को लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिसके जितनी संख्या भारी उसके उतने हिस्सेदारी की जो बात करते हैं, उसमें जितने अति पिछड़े वंचित वर्ग के लोग हैं, अति दलित और दलित अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों की सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति क्या है, ऐसे लोगों की जानकारी भी प्राप्त की जा रही है ताकि सरकार में जब हम लोग पहुँचें तो देश और प्रदेश की सरकार में इस बात को लेकर के हम लोग बहस कर सकें और ऐसे लोगों को हिस्सेदारी दिला सकें। राजभर जी, जब से एनडीए का गठबंधन हुआ है चर्चाएं तेज हो गई कि भाजपा के लोगों का सुर बदल चुका है। नहीं, सुर नहीं बदला हुआ है, कार्य करने का ताकत बढ़ गया है, संगठन को और मजबूत करने का एक जुनून आ गया है कि मुझे और अभी ताकत इकट्ठा करना है ताकि उत्तर प्रदेश में वो स्थिति पैदा कर दिया जाए कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी का नामो निशान समाप्त हो जाए। राजभर जी, सतपाल यादव जी का भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर जी का कुछ भरोसा नहीं, कभी कहीं और कभी कहीं चले जाते। समाजवादी पार्टी का कोई भरोसा नहीं है कि वह कब क्या डिसीजन ले लेगी। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होते हुए नजर आ रही है। रोज आए दिन लगातार समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, अच्छे अच्छे पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने काम पर विश्वास करती है और काम के बल पर समाजवादी को समाप्त करने का प्रयास करेगी। आज अखिलेश यादव जी साइकिल यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, क्या लगता है कई जिलों में उन्होंने ये शुरुआत कर रहे हैं, ये साइकिल दौड़ती नजर आएगी? ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है। वो सिर्फ टीवी में आकर के ट्वीट के माध्यम से साइकिल यात्रा की शुरुआत करेंगे। मुझे याद है एक पैदल यात्रा उन्होंने निकाला था, पैदल यात्रा 4 दिन बाद फ्लॉप हो गई थी, तो उसी प्रकार से साइकिल यात्रा जो निकाल रहे हैं वो भी फ्लॉप ही साबित होगी क्योंकि जो पीडीए का सहारा वो ले रहे थे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कहीं ना कहीं उनको ये इस चीज़ का ज्ञान हो गया है कि ये पीडीए एनडीए के साथ चला गया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ सम्मिलित हुई है, गठबंधन की है, तब से ये पीडीए का सहारा भी छोड़ दिए हैं और इसीलिए वो साइकिल यात्रा निकाल करके ये बताना चाहते हैं कि अब हम जो हेलीकॉप्टर से चलते थे अब साइकिल पर आकर के रुक गए हैं। लास्ट सवाल लेना चाहूँगा, राजभर जी को क्या मंत्री का बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में? सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो जरूर बनाएगी और बनाएगी तो कौन नहीं बनना चाहेगा।